दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप स्नैपचैट यूज करते हो तो स्नैपचैट पे आप फोटो पे म्यूजिक को कैसे ऐड कर सकते हो, यानी कि अपने फोटोज़ पर आप म्यूजिक कोई सा भी आपका मनपसंद गाना उसमें ऐड या फिर जोड़ सकते हो। तो देखिए, वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। बीच में अगर वीडियो को छोड़ देते हो तो आप ये नहीं समझ पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इंस्टाग्राम को ये स्नैपचैट को ओपन करेंगे। ये देख सकते हो हमारे पास स्नैपचैट एप्लीकेशन है, इसको यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद क्या करना है, चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्नैपचैट को हम यहाँ से ओपन करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर नीचे गैलरी का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, देख सकते हो। यहाँ पर इस गैलरी के ऑप्शन पर आप जैसे टैप करते हो तो यहाँ से आपके पास जो भी स्नैप्स है, आपने जो भी स्नैपचैट से फोटोज़ क्लिक किए थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप गैलरी से फोटो सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर कैमरा वाल का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो जितने भी आपके गैलरी के फोटो है वो यहाँ पर शो करेंगे। सो एग्जांपल, मान लो हमने ये फ़ोटो सेलेक्ट किया, यहाँ पर इस फोटो को इस तरीके से हम कर देंगे। अब इस फोटो पर जो है आपको म्यूजिक को ऐड करना है, यानी कि गाना अगर आपको इस पर लगाना है फोटो पर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चलिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, म्यूजिक को ऐड करने के लिए एक पेंसिल का आइकॉन आप देख रहे हो, इधर साइड में आ रहा है पेंसिल का आइकॉन, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद देखिए, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं, देख सकते हो। ये आप चाहे तो इसमें और भी एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह या फिर एनिमेशन इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए एक म्यूजिक का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हो। इस वाले आइकॉन पर आपको टैप करना है, यहाँ पर आप टैप करोगे। अब देखिए, जैसे म्यूजिक पे आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे सॉन्ग्स आते हैं, जिन सॉन्ग्स को आपको यूज़ करना है सिंपली उस पर प्रेस कर लेना है, या ऊपर आप सर्च भी कर सकते हो जो आपको सॉन्ग्स चाहिए। सो एग्जांपल, कोई सा हम सॉन्ग्स यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर चलिए एक सॉन्ग्स ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो एग्जाम्पल के लिए हमने ये सॉन्ग्स यहाँ पर लिया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए, इस तरीके से ये लोड करेगा। ठीक है, सॉन्ग पर आप क्लिक करोगे उसके बाद ये इस तरीके से लोड करेगा। अब देखिए, नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर सॉन्ग आ चुका है, जहाँ से आपको इसको रखना है आप रख सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से क्रॉप या फिर एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे एक राइट का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक कर दोगे। उसके बाद इस फोटोज़ पे सॉन्ग यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, अब इसको कहाँ भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ पर आप रखना चाहते हो वहाँ पर रख सकते हो। अब इस पर सॉन्ग लग चुका है, आप जो भी फ़ोटोज़ अपने हिसाब से मनपसंद अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब उसके बाद अगर इसको आपको शेयर करना है तो शेयर करने के लिए एक सेंड टू का ऑप्शन नीचे आ रहा है। ठीक है, सेंड टू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो ये शेयर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी आपको शेयर करना है वहाँ आप शेयर कर सकते हो। तो ये एक तरीका था, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसको आपको रिप्लाई दूंगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय।